سے مناجات کی شکل میں فریاد ہوگا
आहोजारी कब तक रुदाद सुनेगा तू हमारी कब तक रुदाद सुनेगा तू हमारी कब तक कब चश्मे कर उठेगी मेरी जान आएगी मेरे मौला मेरी बारी कब तक कब तक मेरे मौला कब तक मेरे मौला اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے اے دل کے مکی دل میں رہنے والے خدا اے دل کے مکی دل کے مکی دل کے مکی مسجد میں ڈھونڈا تو نہیں ملتا مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے میرے مولا اے دل کے مکی اے دل کے مکی اے دل کے مکی جائے دل کے مکی دیکھیے
कई देर से चुप हूँ लेकिन तब तक मेरे
मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदे हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। ऐ खत्मे रसूल, मकसूद तुई दरसूरत हर चे हस्त मौजूद तुई। आयात कमाल आया नष्ट बतो, आजाद के दर परदा निहबूद तुई। Oh,
عجب عاشق راجا Stop.
बड़ी हरी हरी अरुज की अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा खास मदद कर रहा हूं समाज करें इस फेर में मत रहना के सजदे से मिलेगी इस फेर में मत रहना के सजदे से मिलेगी इस फेर में मत रहना के सजदे से मिलेगी इस फेर में मत रहना के सजदे से मिलेगी इस फेर में मत रहना के सजदे से मिलेगी जन्नत मेरे हुजूर में सजदे से मिलेगी कोई हद है 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 मेरे लग सजदे से मिलेगी मेरे मन में लग सजदे से मिलेगी जन्नत मेरे हुजूर में सजदे से मिलेगी हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब आदिल नागपुरी साहब फरमाते हैं क्या फरमाते हैं बुला के अर्श पे जलवों का एहतमाम करे बुला के अर्श पे जलवों का एहतमाम करे खुदा रसूल तो आलम से यूं कलाम करे खुदा रसूल तो आलम से यूं कलाम करे मेरे हबीब पे देखो नवाज़िश कैसी मेरे हबीब पे देखो नवाज़िश कैसी बशर रुके सर के जिसको खुदा सलाम करे कोई हद है
حسن اولاد جمال Come on.
मोहम्मद का कुर्ला अपनी जगह है, मोहम्मद का कुर्ला अपनी जगह है, मोहम्मद का कुर्ला अपनी जगह है। बोल मोहम्मद बोल खुदा है, मोहम्मद बोल दरबार न बदला जाएगा, حضرت غوث الثقلین نقد قمر حیدر نسل حسنین مادر حسین نسب است قبلہ نور زولاد حسن یعنی کریم لبابین اللہ رے کا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک بلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک بلی ہے، ہر کام سجدے تمنا ہے جدی کو یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، غوث اعظم میرے ہوں برو Yeah.
जिस आईने में तू नजर आए सनम मुझे जिस आईने में तू नजर आए सनम मुझे ओ आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे ओ आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे जिस दर दराज आया है तेरा करम मुझे जिस दर दराज आया है तेरा करम मुझे आहे
से सवेरा आशिकेला तवाहू में तेरा आशिकेला तवाहू में तेरा मेरे दिल में फकत तू ही सालों से यहाँ 1904 में पहली बार मज़ार देखी गई थी इस मुकाम पे। उसके बाद हमारे जो नाना हैं सज्जादा नसीन यहाँ के, उनके हाथ में था सब कुछ। उसके बाद हज़रत का करम है कि मैं इस मुकाम का सज्जादा नसीन बना हूँ। और हज़रत की विलादत तो कई और हैं, और इनका मेन आस्थाना बॉम्बे में माहिम शरीफ, और हम सब नागपुर शहर के बहुत खुश नसीब मानते इस कमेटी के हम सब हज़रात के हमारे मुकाम पर, इस मुकाम पर हज़रत मखदूम अली माहिमी का चिल्ला शरीफ जो भी है, और हम यहाँ खिदमत गुजार है, दो वक्त की रोटी हज़रत के नाम से खा रहे हैं और इनकी इबादत में दिन रात गुजार रहे हैं। और माहिम शरीफ में 3 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तो उर्स मनाया जाता है, काफ़ी बड़ा मेला भरता है। उसके बाद 24 तारीख छोड़ के 25 से इस मुकाम पर हम 4 दिन का उर्स मनाते हैं, जैसे भी होता है सरकार के करम से। और हम वही अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमको ये मौका मिल रहा है, हम सभी जितने भी इस मुकाम पे हैं। और मैं अपने आप को भी बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि इस मुकाम पे मेरे को सज्जादा नशीन, मतलब इस हज़रत के साथ दिन रात उठने बैठने का मौका मिला है। बस वही खुशनसीबी, अब जाहिर भी किस शब्दों में करूँ, शब्द भी नहीं है मेरे पास।
उर्स 25 दिसंबर से लेके तो 28 दिसंबर तक मनाया जाता है। 25 को दरबारी शाही संदर रहता है, फिर 26-27 को बाहर से चाहने वाले आशिक लोग लाते हैं। जिन जिनकी जैसे मुरादें पूरी होती है वो वैसे वैसे कार्यक्रम तो साल भर चालू रहते हैं, नियाज महफिल वगैरह, पर जो मेन हजरत का सालाना उर्स मनाया जाता है वो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मनाया जाता है। और 28 दिसंबर को आखिरी दिन रहता है कुल शरीफ की फातिहा, नियाज, लंगर वगैरह आम चारों दिन का।